अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं हाजिर हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आप लोगों के पास नेक्स्ट वीडियो आ सके। तो आज जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे टॉम जोन्स, एक नावल है जो कि हेनरी फील्डिंग ने लिखा है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम हेनरी फील्डिंग का स्टाइल पढ़ रहे हैं, स्टाइल ऑफ हेनरी फील्डिंग। स्टाइल कहते हैं वे को, मेथड को, कि कोई भी राइटर है वो किस स्टाइल के साथ लिखता है, ठीक है, किस मेथड के साथ लिखता है और कौन कौन सी उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं उस स्टाइल में, ठीक है। तो इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं क्योंकि खासतौर पर ये चीज़ें आप लोगों को एम ए इंग्लिश के कोर्स में, वो किसी भी यूनिवर्सिटी का कोर्स हो, उसमें आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अच्छा जी नंबर वन पे इंट्रोडक्शन एज अ स्टाइलिस्ट एंड राइटर, यानी हेनरी फील्डिंग का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि वो एक स्टाइलिस्ट भी है और एक राइटर भी है, यानी अच्छा लिखारी भी है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि ये 18th सेंचुरी से बिलोंग करता है, हेनरी फील्डिंग जो है, ठीक है। उसके बाद ये इसको फादर, अपना फादर ऑफ इंग्लिश नॉवलिस्ट भी कहते हैं और ये ट्रेडिशनल नॉवलिस्ट है, यानी जिसको हम क्लासिकल नॉवलिस्ट कहते हैं। लेकिन यही बंदा है जो नावल को क्लासिकल ट्रेडिशनल से आगे मॉडर्निज्म में लेके जाता है, ये इसी के फॉलोअर्स हैं जो मॉडर्निज्म में लेके जाते हैं और पोस्ट मॉडर्निज्म में भी चला गया नावल। अच्छा, इंट्रोडक्शन एज स्टाइलिस्ट एंड राइटर, हम मेन मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे शॉर्टली। इसके स्टाइल को देखते हैं, इसका स्टाइल बहुत ही ईजी है, क्योंकि इससे पहले जितना भी लिखा गया नावल 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, वो इतना ईजी नहीं था, इतना रीडर के लिए अप्रोचेबल नहीं था। लेकिन इसने आपने थोड़ा सा स्टाइल को ईजी किया, डायरेक्ट स्टाइल, यानी जो चीज़ वो लिखता था वो डायरेक्ट मैसेज के जरिए, डायरेक्ट स्टाइल, यानी जिस चीज़ से वो बात करता उसी चीज़ को ही बयान करता, इधर उधर की वो बातें नहीं करता था अपने थीम में, अपने मौजू में। अनइफेक्टेड, यानी उस पर इतना ज्यादा कोई दूसरी साइड का असर नहीं होता था, कोई नेगेटिव इफेक्ट है किसी भी चीज का। अब इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अनइफेक्टेड का मतलब है कि उसका जो लिटरेरी स्टाइल था वो मोरल स्टाइल कह सकते हैं आपको, कुछ ना कुछ मोरलिटी से वो बिलोंग करता था। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ माइंड, प्रोडक्ट ऑफ माइंड का मतलब ये कि नॉलेजेबल था, ठीक है, बुक्स से रिलेटेड था, हिस्ट्रिकल था, उसमें से आप बाकी चीजों को भी उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं। कोर्स, उसमें वो ज्यादातर हेनरी फील्डिंग ने कोर्स को लिखा है, अपनी कोर्स लिखी है, शेक्सपियर और इस तरह के दूसरे लोगों की कोर्स को पढ़कर फिर अपने ही कोर्स में उसको कन्वर्ट किया और कोर्स को ज्यादातर लिखता था। नेक्स्ट है जी माइंड एंड स्टोरी रिलेशन, इसका मतलब है कि जो भी स्टोरी वो लिखता है उसका ऑथर के माइंड से और उस स्टोरी का आपस में बिल्कुल कनेक्शन होता है, यानी वो ऑथर सोच क्या रहा है और स्टोरी है क्या, वो आपस में एक दूसरे से बिलोंग करते हैं और यही उसकी खासियत है कि उसकी जो स्टोरी है वो रीडर के माइंड से भी टच करती है, जब रीडर उसको पढ़ता है तो उसको वो स्टोरी अच्छी लगती है। उसके बाद नेचर एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस, उसने टोटल अपनी राइटिंग जो की है वो ह्यूमनिज्म पे की है, ये इंसान की के बारे में की है, इंसानों की नेचर और इंसानों के बिहेवियर पर बात की है। हम इसको नेचुरलिस्ट तो कह सकते हैं कि ये नेचर पोइट है, लेकिन एज अ ह्यूमन, जिस तरह वर्ड जो करता है वो परिंदों के बारे में लिखता है, ठीक है, नेचर, पहाड़ों, समुद्रों के बारे में लिखता है, दरियाओं के बारे में लिखता है, तो इस तरह ये नेचर पोइट है लेकिन ह्यूमन नेचर की बात करता है जस्ट और उनके बिहेवियर की बात करता है। उसके बाद जो हमारे पास ब्रीफ अवे फ्रॉम आर्टिफिशियल स्टाइल, ये आर्टिफिशियल स्टाइल से बिल्कुल ही दूर रहता है, ये आर्टिफिशियल स्टाइल को अडॉप्ट नहीं करता लाइक अदर्स, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है कन्वर्सेशनल मेथड, इन उसका कन्वर्सेशनल मेथड कैसा था, वो किस तरह अपनी राइटिंग में, अपने लिटरेरी वर्क में किस तरह वो बातचीत करता था, कन्वर्सेट करता था अपने रीडर्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ। कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस के हवाले से ये बहुत मशहूर है कि ये अपनी बात मनवा लेता था, मतलब जो भी राइटिंग करता था तो वो पूर्ण असर होती थी उसकी राइटिंग, लोग उसको मानने के कायल हो जाते थे। इन्वेंटिव क्रिएचर, ये मुख्तलिफ क्रिएचर को, जिस तरह करेक्टर्स वगैरह हो गए, इन चीज़ों को इन्वेंट करता था, यानी मुख्तलिफ नए करेक्टर ईजाद करता था और उन पर लिखता था, उन पर थाट्स क्रिएट करता था। नेक्स्ट
सिचुएशन ऑफ करेक्टर, यानी करेक्टर की जो सिलेक्शन है वो उनकी सिचुएशन के मुताबिक ही करता था। और ये इम्पोर्टेंट बात है, कोई भी राइटर जो है अगर उसके करेक्टर सिचुएशन के मुताबिक ना हो तो वो स्टोरी मजेदार नहीं होती, यानी स्टोरी में बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं रहता। ठीक, उसके बाद हमारे पास अम्यूजिंग स्टार, यानी हमने ये देखा कि ये ज्यादातर ह्यूमरस के बारे में लिखता था, ह्यूमरिस्ट राइटर था एक किस्म का, तो उसका स्टाइल अम्यूजिंग भी होता है अपने रीडर के हवाले से, एंड कन्वर्सेशन और उसमें गुफ्तगू बातचीत लाइक अ डायलॉग कि जैसे कोई एक दूसरे से बात कर रहा हो, यानी जब रीडर उसकी राइटिंग्स को पढ़ता है, उसके लिटरेरी वर्क्स को पढ़ता है, तो ऐसे लगता है कि रीडर जो है वो उसकी बुक से या डायरेक्ट हैंड फीलिंग से बात कर रहा है, बातचीत कर रहा है, या उस करेक्टर से जिस करेक्टर को रीडर पढ़ रहा होता है। ड्रामेटिक वे, ड्रामेटिक वे का मतलब है कि हेनरी फील्डिंग ने जो नॉवल डिस्क्राइब की है उनको भी एक ड्रामाई अंदाज में बयान किया है, लाइक अ ड्रामेटिक वे, और उसका जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट बात करता है, दूसरा ड्रामाई अंदाज में बात करता है। ठीक है, तो ड्रामेटिक वे में उसने अपने नॉवल्स को भी ड्रामाई अंदाज में लिखा है, एज अ ड्रामेटिक वे में। ठीक हो गया, डायरेक्ट मेथड है उसका एड्रेस टू लिसनर, यानी ऐसे अपनी राइटिंग में वो ऐसे शो करता है कि डायरेक्ट लिसनर से, यानी रीडर से, सामेईन से वो बातचीत कर रहा है। अच्छा जी, यूज सेंटेंस एंड क्लॉजेस, अच्छा ये एक मेन पॉइंट है, हमने ऊपर पढ़ा कि उसकी राइटिंग जो है बहुत इजी है, इजी स्टाइल है राइटिंग का हेनरी फील्डिंग का। अब इसका मतलब है सेंटेंस एंड क्लॉज में जो जब उसने अपनी राइटिंग की है तो उसने सिंपल सेंटेंसेस यूज किए हैं, मोस्टली सिंपल सेंटेंसेस, यानी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में वो बहुत कम गया है। ठीक हो गया, इसलिए रीडर इसके स्टाइल को इजी समझते हैं कि ये चीजें जल्दी आम रीडर को, कॉमन रीडर को जल्दी समझ आ जाती हैं। क्लॉजेस, यानी छोटी छोटी उसने क्लॉजेस यूज किए हैं, कंप्लीट सेंटेंस बहुत कम यूज किए, यानी ये इतना ईजी हो गया क्लॉजेस और सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में कि उसको आम रीडर भी उस दौर में 18th सेंचुरी में पढ़ सकता था, इसलिए उसके फॉलोअर्स ज्यादा हो। डिसलाइक फ्रेगमेंटरी, अब वर्ड फ्रेगमेंटरी का मतलब था फ्रेगमेंट, हिस्से, टुकड़े, पीसेस, यानी वो फ्रेगमेंटरी को डिसलाइक करता था, यानी कोई भी कैरेक्टर को छोटी छोटी बातों में डिस्क्राइब करना या छोटे छोटे नॉवल्स ड्रामे लिखना, इन चीजों को वो डिसलाइक करता था। वो चाहता था कि जो भी कैरेक्टर नॉवल प्ले वो राइट कर रहे हैं वो उसको एक्सप्लेन करें वजाहत से, उसकी यानी उसको वजाहत से जान करें ताकि रीडर्स को आसानी से हर चीज, हर एवरी सेगमेंट जो है उसको समझ आ जाए। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 के यूज ऑफ डायलॉग, ये उसका इम्पोर्टेंट स्टाइल कैरेक्टर है, यानी डायलॉग उसने अपनी नॉवल राइटिंग में, ड्रामा यानी प्ले राइटिंग में, तो उन्होंने ज्यादातर जो मेथड इस्तेमाल किया है, एक तो डायरेक्ट मेथड था, दूसरा डायलॉग वाला मेथड, यानी उसने छोटे छोटे डायलॉग में बात की है हमसे ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। और यही वजह है कि इन डायलॉग की वजह से हमें लगता था कि जैसे हम उसके साथ ही, वो हमारे साथ डायरेक्ट बात कर रहा हो। ठीक हो गया, यानी डायलॉग प्लेज इन ज्यादातर उसके प्लेज जो है वो डायलॉग फॉर्म में लिखे गए हैं। अनस्पोकन थॉट्स, यानी उसने कुछ नई थॉट्स ऐसी क्रिएट की है अनस्पोकन, जो उसमें बोली नहीं गई या हम बोलते नहीं है, रीडर जो है यानी वो पढ़ता नहीं है उसमें, लेकिन वो अपनी थॉट्स क्रिएट करता है कि इसमें ये भी हो सकता है, राइटर ने इसमें ये भी एक्सप्लेन किया है, ये भी बयान किया है। ठीक है, डिस्क्राइब मिन्यूट थिंग्स ऑफ करेक्टर, अब देखिए मिन्यूट थिंग्स ऑफ करेक्टर इसका क्या मतलब है, इसमें ये है कि डायलॉग फॉर्म में अगर उसने लिखा है तो मिन्यूट थिंग्स ऑफ करेक्टर की डिस्क्रिप्शन से ये मुराद है कि उसने अपने करेक्टर की छोटी सी छोटी चीजों को बयान किया। फर्स्ट किया कि उसके करेक्टर ने कपड़े किस तरह के पहने हुए हैं, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल क्या है, उसका हेयर स्टाइल क्या है, ठीक है, उसकी हेयरिंग, उसका यानी अपना अपेयरेंस उसकी कैसी है, उसका रूम को डिस्क्राइब किया है, रूम की स्ट्रक्चर को, क्या क्या चीजें उसने सजाई हुई है रूम में, ये सारी चीजें छोटी छोटी वो बयान करता है, उसकी हैबिट्स को, उसकी नेचर को, टोटल ओवरऑल चीजों को वो डिस्क्राइब करता है। उसके बाद जो हमारे पास यूज कनेक्शन, अब यहाँ पर यूज कनेक्शन का मतलब है उसने कनेक्टेशन यूज किए हैं, मतलब ग्रामर में जो चीजें हम पढ़ते हैं लाइक पंक्चुएशन, यानी कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास हो गए, ठीक हो गया, ब्रैकेट्स हो गए, स्मॉल ब्रैकेट्स, ये चीजें उसने अपने डायलॉग फॉर्म के क्लॉजेस में, सेंटेंसेस में बहुत ज्यादा यूज की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4 पे फॉरवर्ड स्टाइल, हम उसके स्टाइल को
फॉरवर्ड स्टार कह सकते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड स्टार का मतलब होता है ये सब्सक्राइब फॉरवर्ड था ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट का मतलब है उसका स्टाइल एक राइटर से दूसरे की तरफ ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है, ट्रांसफर हो गया, यानी बाकी आने वाले लोगों ने उसके स्टाइल को अडॉप्ट किया, ठीक है, उस पर काम किया। कंटिन्यूटी यानी उसका स्टाइल जो था वो कंटिन्यूस स्टाइल था, ठीक है, ब्रेक आउट नहीं होता था बल्कि कंटिन्यूस वो अपनी राइटिंग स्टाइल में करता गया। और अब आज तक भी जो उसके फॉलोअर्स हैं उसके स्टाइल को कंटिन्यू रखते हुए। एफर्टलेसनेस यानी वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था, अपने एफर्ट्स को छोड़ता नहीं था, ठीक है, राइटिंग स्टाइल में उसने अपनी ऑथरशिप को कायम रखने के लिए ये मेहनत करी थी। हैंडल डिग्निटी ऑफ ऑथरशिप एंड मोरल इंस्ट्रक्शंस यानी उसने अपनी ऑथरशिप की जो डिग्निटी है, अजमत है, वकार है, ठीक है, उसको और अपने मोरल इंस्ट्रक्शंस को गिरने नहीं दिया। इस वजह से 18th सेंचुरी में उसको फादर ऑफ द ट्रेडिशनल नॉवल कहा गया है। क्योंकि अब देखें इससे पहले जो मेन है, जो असल में फाउंडर ऑफ नॉवलिस्ट है ना, वो है इससे जो पहले था रिचर्डसन, ये इसी का कंटेम्प्रेरी है। रिचर्डसन को फाउंडर ऑफ ट्रेडिशनल नॉवलिस्ट कहते हैं। तो वो फादर क्यों नहीं बना, क्योंकि उसने अपने मजीद ऑथरशिप को कायम नहीं रखा, यानी वो आइडल हो गया, उस चीज को छोड़ दिया। तो इसने क्योंकि अपने ऑथरशिप और डिग्निटी को, मोरल डिग्निटी को कायम रखा और अपनी राइटिंग्स को कंटिन्यूस रखा, इस वजह से उसको फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेडिशनल नॉवलिस्ट कहते हैं और आज तक ये टाइटल जो है उसके पास है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 पे हमारे पास हिज रेपुटेशन यानी उसकी कितनी इज्जत थी, मकाम था, शोहरत थी 18th सेंचुरी में और अब। उसके बाद हमारे पास 4 नेम्स हैं रेपुटेशन यानी ये जो 4 नेम्स हैं डॉसन, हेनले, लैंग एंड गॉस, ये 4 नेम जो है ये उसकी रेपुटेशन के लिए इन लोगों ने काम किया, यानी ये 4 राइटर इसके फॉलोअर्स हैं, इसके प्यूपल्स हैं, शागिर्द हैं, ठीक है। इन लोगों ने उसके वर्क को इतनी एक्सप्लेन किया और इतने शायर किया, ठीक है, उसकी अपनी अपनी बुक्स को हेनरी फील्डिंग के बारे में। तो हेनरी फील्डिंग की रेपुटेशन जो है वो बहुत हाई रैंक तक चली गई, ठीक हो गया। उसके बाद एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म कहते हैं जी मुखालिफिन को, अपोजिशन को, यानी जो अपोज थे, खिलाफ थे हेनरी फील्डिंग के। एंड मिसकंसेप्शन यानी रीजन के माइंड में, लोगों के माइंड में जो गलत बयान थे उसके बारे में, ये उन मिसकंसेप्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि सैमुअल जॉनसन, हॉरेस वॉलपोल, उसके बाद स्मॉलेट और जॉन हॉकिंस, ये इसके एंटागोनिस्ट थे, ये इसके खिलाफ थे, क्योंकि इनकी राइटिंग्स को ज्यादातर रीडर नहीं पढ़ते थे, हेनरी फील्डिंग को फॉलो करते थे। तो उस वजह से ये इसके खिलाफ बयान देते थे, मिसकंसेप्शन फैलाते थे, यानी गलत बातें फैलाते थे। अब सैमुअल जॉनसन क्या कहता था कि ब्लॉकहेडेड, यानी हेनरी फील्डिंग जो है ये ब्लॉकहेडेड है लोगों के लिए। और स्मॉलेट क्या कहता था कि प्लेजरिस्ट है, दूसरों के वर्क को, हमारे वर्क को कॉपी करके शायर करता है। फिर हॉरेस वॉलपोल जो है ये कहता था अबंटर, यानी हेनरी फील्डिंग एक बंटर है, लोगों को खराब करता है, ठीक है, अपनी राइटिंग को। उसके बाद जॉन हॉकिंस जो है ये कहते हैं क्रप्ट, क्रप्ट का क्या मतलब है, जॉन हॉकिंस लोगों को कहता था अपनी राइटिंग में कि हेनरी फील्डिंग जो है ये क्रप्ट है, राइटिंग के लिए, नौजवानों के लिए एक क्रप्ट राइटर है, अपनी राइटिंग को ठीक नहीं लिख रहा। तो ये 4 लोग जो थे, ठीक है, सैमुअल जॉनसन, हॉरेस वॉलपोल, स्मॉलेट और जॉन हॉकिंस, ये उसके एंटागोनिस्ट थे, इन उसके खिलाफ बातें करते ताकि उसकी रेपुटेशन ज्यादा ना हो। उसके बाद नंबर 7 पे देखते हैं डिफरेंट फ्रॉम कंटेम्पोरेरीज। कंटेम्पोरेरीज कहते हैं कि हम असल लोगों को, यानी जो उसी के दौर में उसके मद्दे मुकाबले लोग थे उनको कंटेम्पोरेरीज कहते हैं। तो वो उनसे किस तरह मुख्तलिफ था, इसमें हम पूरे स्टाइल की बात करेंगे कि जिस तरह उसका स्टाइल बाकी लोगों से इजी था, डायरेक्ट मैथड था, इन अ डायलॉग फॉर्म था, ठीक है। तो इजी टू रीडिंग फॉर एवरी रीडर, तो ये चीजें उसको अपने कंटेम्पोरेरीज से, अपने यानी हम असल लोगों से जुदा करती थी, अलग करती थी, अलग एक राइटर के तौर पर नॉमिनेट था, ठीक है। उसमें जो हमारे पास ड्यू टू इंटरेस्ट इन रिनेसेंस, अब देखिए नई चीजें, अब उसकी सोच जो थी वो नई सोच थी,
बाकी रेंजर्स की तरह नहीं थी, वो रिलैक्सेंस की तरफ आना चाहता था, मतलब तरक्की लेके आना चाहता था, कोई चेंजिंग लेके आना चाहता था लिटरेरी वर्क्स में, ठीक है। इन एसेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में वो अपनी थॉट्स और रीजनिंग के बारे में लिखता था, मॉडर्न एंड फ्री थॉट्स, ठीक है, ये मॉडर्न एंड फ्री थॉट्स के बारे में कि हर राइटर हर आदमी फ्री थॉट्स का मालिक है, तो ये चीज है। तो हम थोड़ा सा व्यू देखते हैं, जैसे कि 18th सेंचुरी को मोस्टली हम लोग अगस्तन एज कहते हैं, एज ऑफ रीजन कहते हैं, एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, एज ऑफ रिनेसेंस कहते हैं। तो इसी वजह से ये आदमी अपनी राइटिंग में ज्यादातर इन चीजों पर फोकस करता था, इसलिए अपने कंटेम्पोरेरीज से थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नंबर 8 पे करेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज, यानी कौन कौन सी खसूसियात थी, क्वालिटीज थी, ठीक है, हेनरी फील्डिंग में, उसकी राइटिंग में, इन उसके टोटल वर्क में। तो हम इसको कह सकते हैं इन सम अप टू बी, ये चीज हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, ये एक लिटरेरी इंजीनियर था, इन 18th सेंचुरी का इसको उसको फादर कहा गया, लिटरेरी इंजीनियर था, इसने हर चीज नए सिरे से स्टार्ट की ताकि नावल जो है वो ग्रोम अप हो, वो आगे बढ़े, ठीक है, और रिलेशंस एक चेंज है। उसके बाद जी ये नेचुरलिस्ट भी था। लास्ट पॉइंट है रैंक अमंग द इमोर्टल्स। अब ये वर्ड है इमोर्टल, अगर हम देखें तो इमोर्टल्स हम उस चीज को कहते हैं जो लाफानी हो, जिसको खत्म ना होना हो। अब यहाँ लाफानी का मतलब ये है कि ऐसे राइटर जिनका नाम हमेशा शुरू से अब तक रहा है, हम उनको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जैसे वर्ड्सवर्थ हो गया, शेक्सपियर हो गया, ठीक है, इस तरह के बहुत से मिल्टन है, चौसर है, तो इनका नाम भी हेनरी फील्डिंग का भी उन इमोर्टल राइटर में आ गया जिनकी राइटिंग्स को आज तक यही पढ़ा जा रहा है, ठीक है, रीडिंग की जा रही है, स्टडी की जा रही है, ठीक हो गया जी। ये तो थे मेन मेन पॉइंट स्टाइल और राइटिंग के बारे में, हेनरी फील्डिंग के स्टाइल और राइटिंग के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स के साथ लाजमी इसको शेयर करें। ओके, अल्लाह।